चांग शेराब ने डिप्टी कमिश्नर लेह की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। डीसी ने कहा कि तीरंदाजी लद्दाख का रिवायती खेल है। लद्दाख के यूटी बनने के बाद लद्दाख में तीरंदाजी को फरोग देने के लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख की जिलाई इंतजामिया और तीरंदाजी एसोसिएशन ने लद्दाख में तीरंदाजी को फरोग देने की अपनी कोशिशों में सब डिवीजन की सतह पर आर्चरी कैंपस का आयोजन किया। जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर सीईओ एलएचडीसी ले की तरफ से आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख को अराउंड 4 लाख हमें सर ने फंड अप्रूव करके इंडियन राउंड का 51 सेट आज हमें हैंड ओवर किया। जैसे हमने कुछ एक साल पहले सर को रिक्वेस्ट किया था, हमें हर गांव में हर ब्लॉक्स पे आर्चरी को आगे ले जाने के लिए बहुत इक्विपमेंट की वजह से बहुत दिक्कत हो रहे थे करके सर को रिक्वेस्ट किया, तो सर ने तुरंत बिना सोचे एक सेकंड का भी समय ना लेते हुए सर ने ओके कर दिया, हमें ये इक्विपमेंट दिया। तो हमें इस इक्विपमेंट से डायरेक्ट हर प्लेयर बॉडिंग आर्चर्स को फ़ायदा मिलेंगे। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए डीसी साहब को हमारे एसोसिएशन की तरफ से और सभी लेह डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बच्चे हैं आर्चर्स, यंग बॉडिंग आर्चर्स, उन सब के बिहाफ पे आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। आप जैसे लोगों की मदद से लद्दाख के आर्चरी को दिन ब दिन आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है सर। डीसी साहब थैंक यू सो मच। आपके ये दिन आने वाले 4-5 या ज्यादा से ज्यादा 10 साल में उम्मीद करते हैं हम नेशनल लेवल पे मेडल लाएंगे, तो शायद आप जहां कहीं पे भी होगा खुश होंगे, क्योंकि यही छोटे चीजों से हमारा आर्चरी आगे बढ़ता है। तो ये कंट्रीब्यूशन हमारे लिए या लद्दाख के लिए शायद कोई किसी को छोटा समझता होगा, मगर वही दिन याद करेंगे जिस टाइम हमें गोल्ड मेडल होगा, उस टाइम उस गोल्ड मेडल का फाउंडेशन यही दिन होगा सर। तो इसीलिए आपको दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। आर्चरी लद्दाख का एक ट्रेडिशनल गेम रहा है और यूटी बनने के बाद काफ़ी सारे प्रयास किए जाए कि इस खेल को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन ने हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया था कि वो काफ़ी अपने लेवल पे काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हमारे बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दिया जाए आर्चरी में, ताकि और स्क्रीनिंग जो नेशनल लेवल पे कंपटीशन भी होता है उसका स्क्रीनिंग भी एसोसिएशन करता है, तो उनको इक्विपमेंट का क्वांटिटी उनके पास कम था, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि अगर हमारे पास कुछ इक्विपमेंट अवेलेबल किया जाए तो हम अच्छी तरीके से सब डिविजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एंड हेडक्वार्टर पे अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग कर पाएंगे, तो बेटर जो टैलेंट है हमारा आर्चरी में वो आगे उभर के आ जाए। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग 51 सेट्स आज लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन को प्रोवाइड किए, उसके लिए हमने फंडिंग प्रोवाइड किया था। तो मैं आशा करता हूँ कि जैसे लास्ट ईयर हमने सब डिविजन्स पे भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स किए, नुब्रा में किया, खलसी में किया, फिर न्यूमा में भी किया, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उनका कोशिश है कि हमारे जो भी बैकवर्ड एरिया से वहाँ से बेटर टैलेंट्स सामने आए, ताकि सबको एक मौका मिले, ये सिर्फ ले हेडक्वार्टर तक ना सीमित रहे, ये हमारा जो भी हमारे प्रयास है और सारे जितने भी बैकवर्ड एरियाज है, दूर दराज इलाके, वहाँ से हमारा आर्चरी में टैलेंट्स सामने उभर के आए और उनको हम एक अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म दे पाए। तो ये इसी मकसद को लेके हमने हमारी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी हो पाए सपोर्ट हमने लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन को दिया है, ताकि हमारे ले डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं वो आर्चरी में आगे बढ़े और लद्दाख का नाम भी रोशन कर पाए। थैंक यू।